राधे राधे। तो क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपने बड़ों की बातों को अनसुना कर देते हैं, ये सोचकर कि वो हमारे जमाने के ही नहीं है, उनका जमाना कुछ और था, हमारा कुछ और है, वो नई नई टेक्नोलॉजीज को कैसे समझेंगे। ऐसा होता है ना, अगर अंदर झांक कर देखेंगे तो शायद हम ही वो लोग होंगे जो अपने बड़ों को बड़ा सिर्फ मानते हैं, समझते नहीं है। बात आदर और संस्कार की है, जो लोग सुनते हैं वो सुनाना भी जानते हैं। हमें लगता है कि रिश्ते निभाना बहुत आसान है, लेकिन बड़ों को बड़ा ही नहीं कहना है, बड़ों को बड़ा मानना भी जरूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में ये छुपा है कि बड़ों की बातें कभी कभी कहाँ काम आ जाएंगे आपको नहीं पता है। बड़ों के जो इतने सालों के एक्सपीरियंस हैं वो किस तरह से हम अपनी जिंदगी में ला पाएंगे, उनसे लाभ उठा पाएंगे, वो मेरी आज की कहानी में छुपा है। तो कहानी सुनना तो बहुत जरूरी है। कहानी बहुत ही साधारण है लेकिन उसका महत्व बहुत गहरा है। कहानी सुनना अब तो बनता है, तो कहानी शुरू करो। तो होता ये है कि एक समुद्र में एक जहाज, जो कि बहुत महंगा जहाज है, वो खराब हो जाता है। इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, वो नहीं ठीक कर पाते हैं। उनसे बड़े इंजीनियर्स को बुलाया जाता है पर नहीं ठीक हो पाता। अब एक इंजीनियर उनमें से एक सलाह देता है कि एक शहर है वहां पे एक मैकेनिक है जो जहाज पहले ठीक करता था, उसको क्यों नहीं बुलाया जाए। अब सब लोग सहमति पे नहीं होते हैं कि वो इंजीनियर भी नहीं है और वो नई टेक्नोलॉजी का जहाज कैसे ठीक कर पाएगा। लेकिन वो इंजीनियर कहता है लेकिन एक बार हमें उसको जरूर दिखाना चाहिए। अब उस बूढ़े आदमी को बुलाया जाता है, वो जहाज को अच्छे से देखता है, 5 मिनट लगाता है और एक जोर सा हथौड़ा मारता है और जहाज बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब सब हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जब वो बूढ़ा आदमी उस 5 मिनट के काम के लिए $12,000 मांगता है, ये एक न्यूज बन जाती है हर जगह पर कि एक बूढ़े आदमी की 5 मिनट के काम के लिए सरकार $12,000 कैसे दे सकती है। सेमिनार्स होते हैं, उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप 5 मिनट के काम के कैसे $12,000 ले सकते हैं, आपने सिर्फ एक हथौड़ा मारा है। अब उसमें बूढ़े बाबा क्या कहते हैं और वही इस कहानी का अर्थ भी है। बूढ़े बाबा बोलते हैं कि आपने मेरा सिर्फ 5 मिनट का काम देखा कि मैंने एक हथौड़ा मारा, लेकिन जो सालों की मेहनत है जो मेरे साथ में लगी हुई है कि मैंने वो चीज अपने एक्सपीरियंस से पाई है कि मैं किसी चीज को देखकर ये समझ सकता हूँ कि इसमें क्या तकलीफ है, ये आप एक्सपीरियंस से ही ला सकते हैं। ये किसी किताबों में या किसी ऐसी जगहों पे मिलता नहीं है, ये सिर्फ आपको खुद एक्सपीरियंस से मिलता है। अब मेरी उम्र हो गई है लेकिन मेरे साथ में बहुत एक्सपीरियंस है जो कि मैं बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी बांट सकता हूँ। कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है कि बहुत बार हम अपने माता पिता से या अपने इर्द गिर्द लोगों से, जो कि हमारे से बुजुर्ग थे, जिनको देख के हम बड़े हुए थे, उनसे ज्यादा आगे पढ़ ले गए हैं, लेकिन उन्होंने एक समय, एक बहुत बड़ा उम्र तय करी है और जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके एक्सपीरियंस मिलता है उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि इन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन बात ये नहीं है कि उनमें समझ नहीं है, हमें सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। कहानी का ज्ञान भी तो यही बताता है कि सारे इंजीनियर्स थक गए थे लेकिन तब भी वो अपनी ईगो में आकर उसको मान नहीं रहे थे कि ये आदमी कैसे कर सकता है जो कि इंजीनियर नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने किसी ने उनके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करा। मैं भी आपको एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। इस कहानी को ये बताने के लिए, सीखने के लिए एक बात है कि बहुत बार मुझे भी अपनी माँ के लिए लगता है कि तुम्हें एक्टिंग के बारे में ये नहीं पता, तुमको थोड़ा ना पता है कि इतना सालों से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो कैमरा है वो कभी झूठ नहीं बोलता, अगर तेरी एक्टिंग दिल को छू गई है तो मतलब तूने अच्छी एक्टिंग की है, और अगर नहीं की है तो बिल्कुल अच्छी नहीं की है। बात में बहुत ही सरलता थी मेरी माँ की, लेकिन उसमें एक बहुत गहराई थी। उसी तरीके से जिस तरह से हम इस कहानी को समझ पा रहे हैं कि जो लोगों की, हमारे बूढ़े लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एक्सपीरियंस अगर हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, नहीं सुनेंगे,
तो बहुत सारी बातें हमसे यूं ही छूट जाएंगी, जो कि बहुत ही हम सरलता से जो चीजें हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे। खैर ये तो मेरी बात थी, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर पता है। धन्यवाद। जय हिंद।